हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ दोस्तों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप कॉमन क्रेड स्नैक, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है कॉमन क्रेड स्नैक, ये जहरीला है और भारत का सबसे जहरीला है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। और कुछ दोस्तों का कहना था कमेंट में कि आप कॉमन क्रेड स्नैक जो है, यानी करेत सांप हिंदी में करेत, और ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन वुल्फ स्नैक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसलिए ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि हमें ये दोनों स्नैक जो है, एक स्नैक नवाज शेख ने रेस्क्यू किया, ये कॉमन वुल्फ स्नैक, और ये अतुल पाखरे जी ने रेस्क्यू किया था कल रात को। तो यहाँ हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए और एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा आपकी जानकारी के लिए, जिनके जिन जिनके कमेंट थे कि कॉमन वुल्फ स्नैक जो अतुल पाखरे जी के हाथ में है और जो मेरे हाथ में ये कॉमन क्रेट स्नैक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं, कॉमन वुल्फ स्नैक के बारे में पहले बताऊंगा। अब देखिए ये किस तरह दिखता है, चॉकलेटी कलर में दिखाई देता है और इसे कौड़िया वाला सांप बोलते हैं हिंदी में, मराठी में कौड़िया सांप और हिंदी में कौड़िया वाला सांप और इंग्लिश में कॉमन वुल्फ स्नैक। आप देख सकते हैं किस तरह है, गर्दन से लेकर पूंछ तक कौड़िया दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में, ठीक है। और मुंह जो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए मुंह की तरफ, इसका जो मुंह है बादामी आकार की तरह दिखता है, ठीक है। और ये ऊपर से चॉकलेटी कलर में, हल्के से लाल कलर में दिखाई देता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कॉमन क्रेट स्नैक, ये जहरीला है। ये ऊपर से पूरा ब्लैक होता है, पूरा, याद रखिए, ये इसकी पहचान बहुत ही आसान है, पूरा ब्लैक होता है ऊपर से, ठीक है। और हल्का सा नीला चमकीला दिखाई देता है, हल्का सा नीला चमकीला दिखाई देता है। और उसकी आप मुंह की तरफ कैमरा करिए, आप उसका मुंह देख सकते हैं, उसकी जो आंखें हैं बहुत ही छोटी और काली है, ठीक है, बहुत ही छोटी और काली है। और उसके गर्दन से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं क्या है, डॉट दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर में, और यहाँ से लेकर आपको दिखाई दे रहे ये सफ़ेद पट्टे, वो भी दुहेरी जोड़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ये भारत का सबसे जहरीला है। मेरी हर लोगों से विनती है कि आप ऐसा सांप दिखाई देता है तो पकड़ने की कोशिश ना करें। तो फिर एक बार मैं पहचान बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, ये पूरा ब्लैक है जो मेरे हाथ में है, कॉमन क्रेट स्नैक, हिंदी में करेत और मराठी में, महाराष्ट्र में इसे मन्यार नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी जहरीला है, भारत का जो सबसे जहरीला सांप माना जाता है कोबरा, उससे भी कई ज़्यादा, ये 5 गुना ज़्यादा ये जहरीला है। और इसका जहर जो है न्यूरोटॉक्सिक। पहचान फिर एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, हमें क्या दिखाई दे रहा है, गर्दन से लेकर यहाँ तक डॉट दिखाई दे रहे सफ़ेद, और यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक आप देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है, सफ़ेद पट्टे, ठीक है, देखिए ध्यान से, सफ़ेद पट्टे दिखाई दे रहे हैं और वो भी दुहरी जोड़ी में दिखाई देते हैं, कभी कभी सिंगल जोड़ी में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी, देखिए आप, वो काटने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी एक्टिव है और ये नाइट मूवमेंट करने वाला सांप है, ठीक है। तो ये जल्दी अभी ये काट ना पाए, इसलिए मैं इसको आदत कर देता हूँ। और दोस्तों हम लोगों की खासियत यही है, जो स्नैक कैचर है इंडिया के, उन्होंने ट्रेनिंग लिया होता है किस तरह सांपों को हैंडलिंग करते हैं और सांप काटने का प्रयास करता है, तो हम वो बाइट नहीं होने देते, वो जो बाइट करता है वो हम खुद को बाइट होने नहीं देते, उसको ही, उसी को कला कहते हैं। तो मेरा बस फिर एक बार कहना है कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए आप सांपों का हैंडलिंग ना करें। ये देखिए ये कॉमन वुल्फ स्नैक, अभी इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी मैंने इस कॉमन क्रेट स्नैक के बारे में, इसको आज़ाद कर देता हूँ, फिर कॉमन वुल्फ स्नैक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको फॉरेस्ट में हमने जंगल में जैसे आज़ाद कर दिया है, देखिए। और ये फिर एक बार नाम बता रहा हूँ, कॉमन क्रेट स्नैक, और हिंदी में करेत, मराठी में मन्यार। अभी ये आप देख सकते हैं, ये जो है बिना जहर वाला है, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही काटने की कोशिश करता है और ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोगों के घरों में मिलते हैं। जो ट्यूब की पट्टियाँ होती है, लाइट की पट्टियाँ होती है, उसमें ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये
जो चिपकली है उसको बहुत ही आसानी से खा जाता है, ठीक है। और ये ईंटों के घर जो है उस पर ज़्यादा मिलता है। देखिए ये जो इसको पकड़ लेगा उसको ये काटने वाला है। देखिए आप इसने काट लिया है यहाँ पर, इसके दांत जो है कभी कभार अंदर टूट जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर खून आ रहा है, इसके दांत जो है कभी कभार अंदर टूट जाते हैं। ध्यान देना है हमने कि कभी ऐसा स्नेक अगर काट लिया तो उसके दांत जो अंदर रह नहीं पाए, ठीक है। इसके काटने से कुछ होता नहीं, लेकिन दोस्तों सामान्य इंसान जो है उसने इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर काट ले तो डर से भय से आपकी मौत हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण आपकी मौत हो सकती है। और दूसरा कारण ये है कि अगर जहाँ पर काट लेता है, अभी यहाँ पर काट लिया, जैसे कि वहाँ पर छोटे छोटे दांत अंदर के अंदर टूट जाते हैं। देखिए अभी तो इसमें नहीं टूटा, इतने ज़ोर से नहीं काटा उसने, हल्का सा खून भी आने लगा है, लेकिन उसके दांत के जो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बिना जहर वाला सांप काट ले तो यहाँ पर ज़्यादा निशान दिखाई देते हैं, और जहरीला काट ले तो दो निशान दिखाई देते हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों ये जो बाइट के निशान है इस पर हमने निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जहरीला सांप दो तीन बार एक जगह पर काट लेता है। जहरीला सांप क्या होता है, कभी कभार एक जगह पर दो तीन बार काट लेता है, तो हमें क्या लगेगा फिर, इसके दांत के निशान ज़्यादा है इसलिए ये बिना जहर वाला होगा, ऐसा नहीं। कभी कभार क्या होता है, जहरीला सांप दो चार बार काट लेता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना जहर वाला जो सांप है एक बार काट लेता है, लेकिन उसके जो दांत के निशान है सिर्फ दो ही दांत दिखाई देते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों क्या करना है, दांत के निशानों पर कभी निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। तो फिर एक बार इसको आज़ाद करते हुए चेतावनी देना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे सांप आपके घर में घर के आसपास निकलते हैं तो पकड़ने की कतई कोशिश ना करें। ये सांप हमने आपको दिखाया, इसके डिफरेंसेस क्या है इसमें ये भी बताया, तो चलिए इसको बिना देरी के हम यहाँ पर आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दिल से एक लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।